और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के सर्वे में कई मंत्रियों की हालत कमजोर नजर आ रही है। मंत्रियों के पास बताने के लिए कुछ भी उपलब्धियां नहीं है। कई मंत्रियों के क्षेत्र में संपर्क भी न रखने से लोगों में नाराजगी है। 2013 के विधानसभा चुनाव में 10 मंत्री हार गए थे। मंत्रियों ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। कुछ मंत्री कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशियों की वजह से जीतते रहे हैं। एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था और इस सर्वे में जो मंत्री हैं उनके कामकाज को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जब लोगों से बातचीत की गई, सर्वे की गई, तो लोगों में नाराजगी दिखी और ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाते हैं, उनके कामकाज से लोगों में नाराजगी है। और भी माना जा रहा है कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जब टिकट बांटा जाएगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और इसी को देखते हुए पार्टी ने ये सर्वे करवाया था और अब कामकाज के आधार पर ही विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। और इसमें जो सर्वे में मेन बात आई, उन्होंने कहा है कि मंत्रियों से भी लोगों में नाराजगी है, अपने क्षेत्र में लोग जाते नहीं हैं, लोगों से संपर्क नहीं करते हैं, जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए और कईयों के पास तो अपनी उपलब्धियां गिराने के लिए कुछ है ही नहीं, क्षेत्र के लोगों से संपर्क भी नहीं करते थे। तो ऐसे में 2013 विधानसभा चुनाव में 10 मंत्री हार गए थे। अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी ने सर्वे करवाया, उसमें देखना ये होगा कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं। और इसीलिए ये सर्वे करवाया गया है कि जिनके रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में 10 मंत्री हार गए थे और इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी। और ऐसे में इस सर्वे में जो बातें सामने आई हैं, उसमें एक बात ये भी सामने आई कि 2013 में जो लोग जीते थे वो इसलिए जीते थे कि जो सामने वाला उम्मीदवार था वो बहुत कमज़ोर था, इसके चलते जो नेता थे बीजेपी के वो जीत गए थे। तो इसमें कई खामियां पाई गई हैं। और जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, जो इलाके के लोगों का ये कहना है कि जो मंत्री हैं अपने क्षेत्र में आते नहीं हैं और कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने मंत्रालय के तहत कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि वो अपनी उपलब्धियाँ लोगों को बता सकें। और इसी को देखते हुए जो सर्वे करवाया गया है उसमें कई खामियां नजर आई और ऐसे में लगता है कि कई मंत्रियों का पत्ता इस बार विधानसभा चुनाव में कट सकता है, क्योंकि 2013 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी ये बात सामने आई थी कि 10 मंत्री चुनाव हार गए थे और इस बार का जो सर्वे करवाया गया उसमें भी माना जा रहा है कि मंत्रियों के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि शिशिर उपाध्याय हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। शिशिर, जिस तरीके से ये सर्वे आया है, माना जाए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तमाम मंत्रियों के पत्ते कट सकते हैं? बिल्कुल अंजनी, जो अभी स्थिति बन रही है ये तीसरी रिपोर्ट है और मुख्यमंत्री ने अपनी अंदरूनी जांच में एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें इनके 20 मंत्री, करीब 80 विधायक इनके हार सकते हैं और वो टिकट बदलने की बात कर रहे हैं। अभी भी जो एक रिपोर्ट और मुख्यमंत्री ने अपनी इंटेलिजेंस से बुलवाई है, वो रिपोर्ट जल्द ही इनको मिल जाएगी और उसके बाद ये टिकट वितरण का फाइनल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 120 के आसपास जो खतरे में है इनके माननीय, उनमें से लगभग 75 के आसपास टिकट ये काट पाएंगे। इसमें अमित शाह ने ये तय कर दिया है कि अगर इतने टिकट कटते हैं तो जीत की गारंटी कौन लेगा, अगर किसी को कोई टिकट दिलवाना चाहता है तो उसकी जीत की गारंटी उसको लेना होगी, ये तय कर दिया है हाईकमान ने। अच्छा शिशिर, एक चीज ये भी समझना होगा कि अब विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, ऐसे में अमित शाह की रणनीति रही, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं और उनके कामकाज का मूल्यांकन करने के बाद उनको टिकट देते हैं, तो ऐसे में जिन मंत्रियों का सर्वे में नाम आया है, ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनके कामकाज को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है? मुख्यमंत्री के जो नंबर वन पे पोजीशन जिसकी थी वो नरोत्तम मिश्रा जो सबसे बेहतर काम कर रहे थे। हाँ। इसके अलावा लाल सिंह आर्य को उन्होंने नंबर दो दिया था। अच्छा। जयवान सिंह पवैया को दिया था। बाकी इनके लगभग शरद जैन से लेकर और जो तीन मंत्री जो इनके आज तक विधानसभा आते ही नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। हाँ। ललिता यादव की हालत बहुत खराब है। इनके यहाँ जो एक पन्ना क्षेत्र की कुसुम महबेले हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा रुस्तम सिंह जो
स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे विजय शाह के हालात खराब बताए गए हैं कि विजय शाह भी चुनाव हार सकते हैं, ओम प्रकाश धुर्वे जो इनके बहुत ट्राइबल चेहरा है वो हार सकते हैं, ऐसे करीब एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की स्थिति बहुत खराब है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री एक शिशिर 2013 में जो लड़ाई हुई थी वो भी बहुत टफ थी, लेकिन इस बार की लड़ाई और टफ होने वाली, क्योंकि 15 साल का कार्यकाल, ऐसे में विपक्ष भी एकजुट होने की बात कर रहा है। तो ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि ऐसे मंत्रियों को या विधायकों को टिकट दिया जाए जिनसे जनता संतुष्ट नहीं है। तो इस बार क्या माना जाए कि बहुत फूक फूक कर कदम रखेंगे अमित शाह और मुख्यमंत्री टिकट वितरण में? जी बिल्कुल अंकित, पिछली बार मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था कि इनके 20 मंत्री हार गए थे। हाँ। और जो इनके वजनदार मंत्री थे, चाहे लक्ष्मीकांत शर्मा हो चाहे इनके जागीदार हो, बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे थे जो चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि अपनी छवि खराब करें और ऐसे लोगों को टिकट दें जो सर्वे में हार रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने ये बोला है कि अगर आप जीत की गारंटी लो तभी इसको टिकट दिलवाओ, और जो भी टिकट रिकमेंड करेगा उसको गारंटी लेना होगी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय तय करवा रहे हो या प्रभात झा डिसाइड करवा रहे हो या नरेंद्र तोमर तय कर रहे हो, वो अपने अगर आदमी को टिकट दिलवाएंगे तो उनको जीत की गारंटी लेना होगा।